स्टूडेंट्स टूडे वी आर हेयर टू डिस्कस आर वर्कशीटीटीटीटीट नंबर सेवेंटी टू फॉर क्लास टेन साइंस इन इंग्लिश मीडियम एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल्ड फॉर ट्वेंटी एट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड टूडेज टॉपिक इज मैनेजिंग द गार्बेज 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 एवरी वेयर आप देख सकते हो कि ये जो फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रही है कि गार्बेज के इतने बड़े बड़े बम्स होते हैं पहाड़ होते हैं तो आज इसी के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं और वर्कशीट भी इसी के ऊपर बेस्ड है इन आर डेली एक्टिविटीज़ विच जनरेट अलॉट ऑफ वेस्ट मटीरियल दैट आर थ्रोन अवे एंड इम्प्रूवमेंट्स इन आर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटीरियल जनरेशन हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेज आए हैं वी हैव मॉडर्नाइजेशन जो हमने कर लिया है इंडस्ट्रलाइजेशन भी हो गया है सब कुछ है लेकिन हमने अब जो एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर ली है वो है वेस्ट मटीरियल की कि इस गारबेज को अब कैसे निपटाएँ तो चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव अ रोल टू प्ले विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजिबल चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर हमारा वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि उसको किस प्रकार उसको हम निपटारा करें उसको किस प्रकार मैनेज किया जाए क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटांसेज ऐसे होंगे कि वो कभी भी अपघटित नहीं होंगे डिग्रेड नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे इसी में गारब्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल तो गार्बेज के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट होते हैं सबस्टांसिस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर एग्जाम्पल फ्रूट वेजिटेबल पील पेपर जूट डंग एटसेट्रा तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप जानते ही हैं ये चीज़ें अभी तक अगर हम इन बातों को लेकर अवेयर नहीं हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ हमें बहुत ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत है कि अभी तक अगर हमें ये नहीं पता कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टस कौन से हैं और उन्हें हमें कौन से डस्टबिन में डालना है तो बेटा ये चीज़ें यहीं से शुरुआत होती है कुछ चीज़ों को कुछ बड़ी चीज़ों को तक पहुंचने की उन बड़े सुधार लाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत की जाती है तो ये चीज़ है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेज हैं वो दे आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाई आर नॉन बायोडिग्रेडेबल फेस जैसे कि प्लास्टिक पॉलिथीन एंड मेटल्स अब आती है, बात आती है कि मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजबल डिस्पोजल क्या क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले है बायोगैस प्लांट उसमें बायोडिग्रेडेबल मटीरियल को डाला जाता है और बायोगैस और मैन्योर को बनाया जाता है लैंड फिलिंग्स हो सकती हैं तो वेस्ट जो हैं उनको बारिड किया जाता है लो लाइंग एरियाज़ में और कॉम्पैक्टेड एंड कॉम्पैक्टेड विथ बुलडोजर्स उनको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है उनको बरी करके और उस जगह को जो है सिर्फ कूड़ा डालने के लिए ही यूज़ किया जाता है लैंड फिलिंग्स बोलते हैं उन्हें एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत सारा जो हमारे घरों से जो सीवेज ड्रेनेज uh, का वाटर है वो नदियों में बहा दिया जाता है ड्रेन से होते हुए उनको नदियों से कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि इतना पोल्यूशन करता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में उसके तो बाद आती है बात कंपोस्टिंग की ये हम छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और एक बड़े लेवल पे भी किया जा सकता है तो ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पेट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स हमें प्लांट्स से प्लांट्स के लिए कंपोस्ट हम बना सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा जो कचरा निपटारा है निपटारा है वो भी हो सकता है फिर आती है बात इन चार आर्स की यानी कि फोर आवर्स रीसाइकिल रीफ्यूज़ री एंड रीपर्पज

तो जो वेस्ट रिसाइकिल हो सकते हैं प्लास्टिक पेपर ग्लास मेटल आइटम्स इन सबको रिसाइकिल करके यूज़ करें इनसे कुछ और चीज़ें बना लें इनकी मोल्डिंग करके और चीज़ों को बनाया जा सकता है रीयूज़ जो है री का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि री करें हम चीज़ों को उनसे और अलग अलग तरीके के हम यूज़ कर सकते हैं तो ये बात हो गई री की अब आती है रिफ़्यूज़ तो रिफ्यूज़ का मतलब तो आप जानते कि रिफ्यूज़ कर देना इनकार कर देना किसी चीज़ को जिसका हमें पता है कि ये इसको यूज़ करना हमारे एनवायरनमेंट के लिए इवन हमारे लिए ही घातक है हार्मफुल है तो हम उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं मना कर सकते हैं आप अपने घर से ही जूट बैग कैरी करिए आप क्लॉथ बैग कैरी करिए और बाहर से पॉलीथीन जो है पॉलीथीन के बैग्स ना लेकर आएँ तो ये भी एक तरीका हो सकता है तो ऐसी चीज़ों को से नो टू प्लास्टिक्स इतने सारे पोस्टर्स में आप पार्टिसिपेट करते हो तो इनको अपने आप अमल नहीं करते हैं हम अपनी लाइफ में तो ये भी शुरू कर दीजिए अब बात आती है री की दिस मीन्स वैन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज फॉर द ओरिजिनल पर्पज थिंक केयरफुली एंड यूज इट फॉर सम अदर यूजफुल पर्पज़ फॉर एग्जाम्पल क्रैक्ड क्रॉकरी और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड एज फीडिंग वेजल्स फॉर बर्ड्स तो देखो कितने सारे आइडियाज़ हैं यहाँ पर और मैं आपको बताऊँ कि आपकी इतनी सारी एग्जिबिशंस होती हैं आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आपने कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा पार्टिसिपेट तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो एक्टिविटी है उसका जो सबसे मेन पर्पस है मेन टारगेट क्या है कि बच्चों में हम एक अवेयरनेस लाएं कि अपनी चीज़ों को हम कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ें घर में यूज़ ही नहीं हो रही थी उनको आप कैसे रीपर्पस कर सकते हो कैसे दोबारा से इतने अच्छे प्रयोग में ला सकते हो और इतनी सुंदर चीज़ें बना सकते हो तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम अपने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की एक्टिविटी से इतनी सारी चीज़ें रिक्रिएट कर सकते हैं उन चीज़ों को रीपर्पस ढूंढ सकते हैं उन चीज़ों का ठीक है तो आप भी बताना कि आपने कौन सी चीज़ को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के थ्रू रीपर्पस किया है यानी कि उसको दोबारा से यूज़ करने के लिए उसको एक सुंदर सी एक और चीज़ बनाया है एक और आइटम तैयार किया है अब पढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल गिव एनी टू मैथड्स प्रश्न इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप कैसे वेस्ट डिस्पोजल में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई दो मेथड आप बताइए तो हम अपने लेवल पे तो इन चार आर्स में से जो हम ये फोर आर्स की बात कर रहे थे रीसाइकिल रिफ्यूज़ रीपर्पज़ एंड री इन चारों में से आप यूज़ कर सकते हैं हम अपने लेवल पर यहीं से शुरुआत करेंगे और ये बहुत बड़ा कदम होता है तो इनमें से आप कोई भी दो या तीन पॉइंट लिख सकते हैं दो ही पूछे गए हैं तो टू मैथड्स लिखिए क्वेश्चन नंबर टू कहता है लिस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस तो हम इतना सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सो प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट वी जनरेट आर क्लोगिंग ऑफ ड्रेन्स नालियाँ रुक जाना सॉयल डिस्ट्रक्शन होता है डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू इंजेशन ऑफ प्लास्टिक्स इकोलॉजिकल इंबैलेंस एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ एजारदर सबस्टेंसेज एंड अफेक्ट्स द फर्टिलिटी रिड्यूसेस क्रोपिल तो इतने सारे इनके जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट जो होते हैं हमारे उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे थर्ड इज़ लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी टू थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल तो वी कैन राइट प्लास्टिक्स पेपर एंड मेटल आइटम्स दैट कैन बी रीसाइकल्ड अगेन ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ इज राइट द एडवांटेज ऑफ सी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अभी हम बात कर रहे थे कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आंसर करेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इसलिए इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि इतनी सो, सारी सोसाइटीज़ हैं और वहाँ से जो भी ड्रेनेज वाला वाटर है उन सबको ड्रेन्स के थ्रू सीधे रिवर्स में कनेक्ट कर दिया जाता है और रिवर्स को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया जाता है तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लिख सकते हैं प्लांट प्रिजर्व नेचुरल एन्वायरमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन और सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस रिस्क टू पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट और इसके साथ साथ जब हमारे रिवर्स भी स्वच्छ रहेंगे वो पोल्यूटेड नहीं होंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको भी हम सेव कर सकते हैं एक पॉइंट आप इसमें एक्वेटिक लाइफ के लिए भी लिख सकते हो। ओके सो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इफ यू से नो प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटीरियल यू मे यूज एंड वाई तो वी मे यूज द बैग मेड अप ऑफ पेपर जूट एंड क्लॉथ बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज एंड दे आर इको फ्रेंडली तो आप इसमें ये पॉइंट लिखेंगे तो ये भी आपकी आज की वर्कशीट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग